शहर विधायक अरुण वोरा के जन्मदिन पर वोरा निवास पर दिखा समर्थकों का जनसैलाब। वहीं शुभकामनाएं देने पहुंचे गृह मंत्री ने रामायण के दोहे के साथ अपनी शुभकामनाओं के साथ ये बात कही। 22 नवंबर को शहर विधायक अरुण वोरा के जन्मदिन के अवसर पर दुर्गमय वोरा निवास पर उनके शुभ चिंतकों के साथ ही समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग बड़ी संख्या में दलों के साथ वोरा निवास पहुंचकर सुबह से शहर विधायक अरुण वोरा को जन्मदिन की बधाई देते नजर आए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, लक्ष्मण चंद्राकर, महापौर धीरज बाकलीवाल, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने भी बग्घी में सवार होकर विधायक वोरा का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विधायक वोरा के चेहरे पर हंसी की लालिमा छा गई और इसके साथ ही जन्मदिन के अवसर पर आयोजित भजन कार्यक्रम में वे उपस्थित हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधायक वोरा को अपनी शुभकामनाएं देते हुए रामायण के दोहे के साथ कहा कि तुम हमेशा ही मुस्कुराते रहो और आगे भी इसी तरह मुस्कुराते रहे। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माता जी को सादर प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित अभी नहीं हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहे, हम सबको मार्गदर्शन देते रहे। स्वर्गीय बाबूजी श्री मोतीलाल जी वोरा, उनको भी सादर नमन। आदरणीय प्रदीप चौबे जी, लक्ष्मण भाई, आर्यन वर्मा जी, विजय पटेल जी, सभी हमारे उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज हम सब उपस्थित हैं भाई अरुण वोरा जी के जन्म दिवस के अवसर पे। जीवन भर हंसते रहा है, शेष जीवन भी खूब हंसते रहे, यही शुभकामना भी आशीर्वाद भी अरुण को हमेशा बनी रहे। अरुण पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। बाबूजी ने जो रास्ता हम सबको दिखाया है उस रास्ते पर हम सब चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, मानवता की सेवा करते रहें। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी शहर विधायक का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। क्रेंडी सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।